हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि जब कोई इस तरह का केस करता है और उसको जब पनिशमेंट नहीं मिलता तो फिर उससे उसकी हौसला अफजाई होती है। जैसे अभी गुजरात में जो भी केस हुआ था बिल्किस बानो के साथ, जब उनके क्रिमिनल्स को आज़ाद करके 14 साल के बाद और उनको माला पहनाई गई, तो ये प्रॉब्लम होती है कि हमारे देश में ऐसे केसेस को हिम्मत। निर्भया में भी फांसी हो गई, उसके बाद भी इतने ब्रूटली केस जो हुआ है, तो ऐसा फांसी से बदतर उनको मौत की सजा तो होनी चाहिए, पर उससे बदतर उनसे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? उनको चौराहे के पीछे एक शराब की दुकान खोल के क्या साबित करना चाहते हो आप कि शराब की दुकान वहाँ पे खुलवा के इसी तरह के क्राइम्स को बढ़ावा दे रहे हैं? क्योंकि होश और हवास में इंसान ऐसा घिनौना काम कभी नहीं कर सकता, लेकिन ये जो चीजें सोर्स बन रही हैं हमको उसको रोकने के लिए काम करना चाहिए, चाहे वो नशा हो, चाहे वो नेट पे मौजूद सामग्री हो, जिस भी तरह के सोर्सेज हैं, सबसे पहले उनको हम खत्म करें, तब जाके हम बेहतर इंसान सोसाइटी के अंदर। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, हर दिन एक खबर आती है कि महिला के साथ अत्याचार हुआ, बलात्कार हुआ, कहीं पे महिलाओं को छेड़ा जाता है, कहीं पे महिलाओं के जिस्म को नोचा जाता है, मगर अभी तक कोई ऐसा सरकार की तरफ से कानून नहीं बना है जिसके अंदर दोषियों के ऊपर सख्त कार्रवाई की बात की गई है। हिंदुस्तान में तरह तरह के कानून बन रहे हैं, मगर कोई ऐसा कानून नहीं बनता जिसमें महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार के ऊपर आरोपी को सख्त सजा मिले। इसी बात को देखते हुए हिंदुस्तान के कोने कोने में विरोध प्रदर्शन हो रहा है कि कोई ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार को पूरी तरह से उस आरोपी को ऐसी सजा दी जाए कि देखने वाला भी इस तरह का व्यवहार करने का चार बार सोचे। इसी को लेके भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी में प्रोटेस्ट चल रहा है। भोपाल की एक ऐसी टीम जो हर मुद्दे पर आती है सामने, टीम BBM, उसके तमाम साथी यहाँ मौजूद हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं। जिस तरह से आप ये पोस्टरों पे लिखा हुआ देखेंगे कि अभी जो डॉक्टर के साथ जो मामला हुआ है उसको लेके लोगों में आक्रोश दिखा, मगर उसी के बाद लगातार हर दूसरे दिन किसी ना किसी बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है। कल की ही घटना है कि 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है, उसके 2 दिन पहले 7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है। ये मामला रुक नहीं रहा, रुक इसलिए नहीं रहा कि इसके ऊपर कोई सख्त कानून अभी तक नहीं बना है। चलिए हम यहाँ के लोगों से बात करते हैं और देखते हैं किस तरह से सरकार से मांग कर रहे हैं। हमारी मांग ये है कि हम लोगों को जो ये जो रेप हुआ है उससे इंसाफ दिला जाए, हमारी बच्चियों को बचाया जाए, तो कुछ ना कुछ ऐसा एक्शन लिया जाए, ये जो दरिंदे हैं कि जो बच्चियों के साथ इस तरीके के काम करते हैं इनको ऐसे ही सजा दी जाए, ऐसी सजा सख्त सख्त दी जाए कि दोबारा जो अगर कोई ऐसी हिम्मत करे तो वो 100 बार पहले तो सोचे करने से पहले। और हमारी जो बच्ची हैं, जो सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये नारा नहीं लगेगा, अब तो नारा ये लगेगा कि बेटी बचाने के लिए पहले उसको सेफ करिए, उसके लिए सारी जितनी फैसिलिटी है जो जिससे बच्ची पढ़ सके, ना स्कूल की बच्ची सेफ है, ना कॉलेज की बच्ची सेफ है, ना घर की बच्ची सेफ है। अच्छा, रक्षाबंधन के समय में बहनों को राखी बांधी जाती है, मगर रक्षाबंधन के कुछ दिन पहले से जो बलात्कारों का सिलसिला चलता है वो रोज एक ना एक बलात्कार हो रहा होता है, ऐसा कौन सा कानून आना चाहिए जो इस चेन को हम रोक सके? देखिए, ये जो बात है कानून की, तो ऐसा नहीं है कि इंडिया की जुडिशरी बहुत कमजोर है। जब हम बात करेंगे कानून की, तो इंडिया में जो रेप का कानून है वो बहुत स्ट्रांग कानून है और बहुत स्ट्रिक्टली उसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। जब ऐसे केसेस बढ़ते हैं और कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं, जैसे निर्भया कांड हुआ, उसके बाद बालाधर का कांड हुआ, उन्नाव का कांड हुआ, जितने भी ये कांड हुए, इन सब केसेस के बाद रेप का जो कानून था उसमें इम्प्लीमेंटेशन किया गया। उसके पहले जब इंडिया में रेप का कानून बना सबसे पहले, तो उस कानून को जो रखा गया था वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर के कैटेगरी में रखा गया, और वो इसलिए रखा गया था क्योंकि इंडिया में इसके रेशोज बहुत कम थे। लेकिन अगर हम रिसेंट का रेशो देखेंगे तो लास्ट 2022 में जो रेप का केसेस देखेंगे या वुमेन्स के अगेंस्ट जितने केसेस की हम लिस्ट देखेंगे, तो 4.45 लाख रेशो है उसका जो वुमेन्स के ऊपर किया गया। और इसका मतलब ये हुआ कि एवरी आवर जो हम देखेंगे तो 51 केसेस हैं अगेंस्ट वुमेन। और ये क्या दर्शाता है कि इस मुल्क में ऐसा नहीं है कि कानून कम। अभी निर्भया के बाद जो इम्प्लीमेंटेशन किया गया उस कानून में, वो कानून में ये चेंज किया गया कि जो एज लिमिट थी, यानी बालिक 18 ईयर के पहले जो भी क्राइम करेगा वो क्रिमिनल नहीं आएगा, लेकिन निर्भया कांड के बाद इसको चेंज किया गया कि 16 ईयर, और जो इसके लिए अवेयर है यानी जो ये क्राइम के बारे में सब कुछ जानता है वो खुद क्रिमिनल है।
ये चेंज किया गया। इसके बाद अगर हम देखें तो गैंग रेप या रेप केसेस में 7 ईयर्स उसको बढ़ाया गया उसकी जो पनिशमेंट है। इसके बाद गैंग रेप का उम्र कैद या फिर फांसी उसको हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमारा कानून है ज्यूडिशरी उसमें बिल्कुल क्लियर है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है उसका ये रीज़न है कि दो चीज़ें हैं, पहले ये कि मेंटेलिटी और दूसरा इम्प्लीमेंटेशन। यानी कानून के बाद कानून का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उसका इम्प्लीमेंटेशन का है। जब पहला क्राइम आता है तो पहली बात तो ये कि जो लेडीज़ हैं उसमें हमको ये अवेयरनेस देना है कि पहली बार जब कोई भी क्रिमिनल एक्ट आपके साथ होता है चाहे वो आपको देखना ही है गलत तरीके से, आप उसको एक्शन लीजिए। आप पहली बार में उस क्रिमिनल को आप क्राइम के उसमें अरेस्ट करवाइए और अगर वहाँ आपको इंसाफ नहीं मिलता तो किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन है जो इंसाफ के लिए काम कर रहे हैं आप उनका सपोर्ट लीजिए। लेकिन पहली बार में आपको उस क्रिमिनल को सजा दिलवाना है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि जब कोई इस तरह का केस करता है और उसको जब पनिशमेंट नहीं मिलता तो फिर उससे उसकी हौसला अफजाई होती है। जैसे अभी गुजरात में जो भी केस हुआ था बिल्किस बानो के साथ, जब उनके क्रिमिनल्स को आज़ाद करके 14 साल के बाद और उनको माला पहनाई गई तो ये प्रॉब्लम होती है कि हमारे देश में ऐसे केसेस को हिम्मत मिल रही है। मतलब बलात्कारियों का जो सपोर्ट करते हैं कहीं ना कहीं उनको भी सजा मिलनी चाहिए, मिलना चाहिए। और दूसरी बात ये कि इसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जाए। कानून की कमी नहीं है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की कमी है कि हम इसको क्राइम नहीं समझ रहे, हम उनको सपोर्ट करके और उनको बचाने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए आज हौसला अफजाई हो रही है उन क्रिमिनल्स। अगर उसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जाए और सभी तरह के सिस्टम्स में इसको क्लेरिफाई किया जाए, पुलिस प्रशासन हो चाहे गवर्नमेंट हो, हर जगह इसको स्ट्रिक्टली इसको लागू किया जाए कि जो कानून है उसको इम्प्लीमेंट। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि पहले तो उस क्राइम को साबित करने में सालों गुजर जाते हैं और वो लड़ झगड़ कर किसी तरह उस क्राइम को साबित कर पाते हैं तो बाद में उनको छोड़ दिया जाता है। मतलब कहीं ना कहीं हम ये कह लें कि जुर्म साबित करने के लिए भी उन लड़कियों को प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है कि जब किस तरीके से वो बताएं कि उनके साथ क्या हुआ। ऐसी कैसी सजा हो कि इस तरह का जुर्म रुक जाए? पहले तो मैं कहना चाहूंगी जो हिंदुस्तान है हमारा मुल्क है उसमें जो बेटियां हैं उनको देवी माना जाता है, उनको पूजा उनकी पूजा की जाती है। तो ऐसा क्या उनके दिलों में आता है कि बेटी जिनको देवी माना जाता है उनके साथ उनकी इतनी हिम्मत हो जाती है कि वो ये सब चीजें करें? और रही बात कि उसमें क्या लाना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन होते रहते हैं लॉज में, जैसे अभी हमारा नए कानून आया उसमें भी इम्प्लीमेंटेशन है, बट ये जो रेप केसेस है इसमें सख्त से सख्त इम्प्लीमेंटेशन लाना चाहिए। तो जिसमें क्या सजा हो कि ये रुक जाए, क्योंकि रुक तो रहा ही नहीं रहे, कई ऐसे केसेस हो गए। मेरे नजरिए से तो ये है कि ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि उनको सारा मुल्क साथ में मिलके देखे। जैसे फांसी दे दी, फांसी हो गई है, सबको पता है निर्भया में भी फांसी हो गई, उसके बाद भी इतने ब्रूटली केस जो हुआ है, तो ऐसा फांसी से बदतर उनको मौत की सजा तो होनी चाहिए, पर उससे बदतर उनसे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, उनको चौराहे पे उनका साथ वो होना चाहिए। नहीं देखिए ये प्रॉब्लम पनिशमेंट का नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जो सोर्सेज हैं हमको उस पर कंट्रोल करना चाहिए। सोर्सेज मतलब जो जैसे कि नशे की बात करें, हम जगह जगह ये शराब की दुकानें खड़ी हुई हैं, कोई भी नॉर्मल इंसान इतना घिनौना काम नहीं कर सकता। नॉर्मल मतलब कहीं नशा जो है इसकी एक बड़ी जड़ बनता है। दूसरी चीज जो पोर्न वीडियोस और जो जितना भी मटेरियल नेट पर मौजूद है उस पर हमको कंट्रोल करना चाहिए। आज हम बाहर की कंट्रीज में देखें बहुत एजुकेटेड कंट्रीज हैं लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं कि हर इंसान हर कुछ नहीं देख सकता। लेकिन हमारी ऐसी बात है, जब आदमी रेप कर रहा है तो उसकी मानसिकता खत्म हो चुकी होती है, कहीं ना कहीं नशा भी है। दूसरा जो नेट पे हमारे मटेरियल है उसको कोई भी किसी भी तरह यूज कर सकता है, उस पर एक लिमिटेशन होना चाहिए। और जो नशा है जैसे यहाँ पर जो कमला पार्क के यहाँ पर दुकान थी शराब की, उसके लिए हम लोगों ने बहुत कोशिश करी कि यहाँ नहीं लगे, लेकिन यहाँ से हटना प्रशासन को इतना बुरा लगा कि ये हटा के वो MLB कॉलेज के पीछे प्रोफेसर कॉलोनी में इसको शिफ्ट किया गया। पॉश कॉलोनी में आप कॉलेज के पीछे एक शराब की दुकान खोल के क्या साबित करना चाहते हो? आप शराब की दुकान वहाँ पे खुलवा के इसी तरह के क्राइम्स को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि होश और हवास में इंसान ऐसा घिनौना काम कभी नहीं कर सकता। लेकिन ये जो चीजें सोर्स बन रही हैं हमको उसको रोकने के लिए काम करना चाहिए, चाहे वो नशा हो चाहे वो नेट पे मौजूद सामग्री हो, जिस भी तरह के सोर्सेज हैं सबसे पहले उनको हम खत्म करें, तब जाके हम बेहतर इंसान सोसाइटी को दे पाएंगे। हमारे जो सरकार है उन्होंने कानून तो बना दिए मगर उसके बाद भी घटनाएं रुक नहीं रही। आप देखेंगे अगर एवरेज लगाएंगे तो हर घंटे में एक रेप की घटना होती है अपने देश में। तो हमें इस पे ऐसा कुछ कानून तो आ चुका है मगर सजा का प्रावधान ऐसा करना है कि लोगों की रूह कांप जाए। क्योंकि अभी हाल जैसे अब मैंने सुना कि भोपाल के आसपास ही कहीं 3 साल की बच्ची से हुआ, अभी वहाँ पर हुआ। हमें किसी एक को लेके नहीं, हमें सबको लेके ये हमारा प्रोटेस्ट है कि रेप रुके।
तो रेप रुकेंगे कैसे, हमें उस चीज पे काम करना। आप देखेंगे 99% जो रेप की घटनाएं होती हैं वो नशे की वजह से होती है। आप कहीं भी लगे, या तो शराब का नशा है या किसी और चीज का नशा है, नशे के बाद ही आदमी इतनी हैवानियत पे उतरता है। हमारी कोशिश है सरकार से कि नशे के ऊपर भी पाबंदी लगाई जाए। नशे में पाबंदी लगाएंगे तो रेप के ऊपर अंकुश लग सकता है बहुत हद तक। अच्छा, हम देख रहे हैं कि ज्यादातर उन बच्चियों को भी शिकार बनाया जा रहा है, जैसे अभी 7 साल की बच्ची का हुआ, 3 साल की बच्ची का हुआ, इस तरह से छोटे छोटे बच्चों को भी टारगेट किया जा रहा है। इसके लिए फोन ज्यादा जिम्मेदार है, और जो मोबाइल है आजकल हर बच्चों के पास है, बड़ों के पास है, तो उसमें गंदी मूवी वगैरह देखते हैं, उससे और जहन खराब होता है। और जब तक सख्त कानून नहीं बनेगा, जब तक ये घटनाएं नहीं रुकेंगी, हर सेकंड में हर कई मतलब समझिए छोटी बच्ची हो या बड़ी महिला हो, कोई भी सेफ नहीं है। कानून जब तक सख्त नहीं होगा वो अंकुश। हमारे साथ राशिद जी भी हैं। राशिद जी, जिस तरीके से इन्होंने बताया कि पॉर्न फिल्में भी जिम्मेदार हैं, अब हिंदुस्तान के अंदर भी पॉर्न फिल्मों का चलन आ गया है, हमारे कानून ने भी इजाज़त दे दी और पॉर्न फिल्में धड़ल्ले से बन रही हैं, कहीं ना कहीं पॉर्न फिल्म उसके ऊपर नशा, ये एक तरीके की सबसे बड़ी जड़ बन के आ रही है, इसको कैसे कट करा जाता है? अभी कुछ अरसे पहले गवर्नमेंट ने जो है इस पर बैन लगा दिया था, बड़ी खुशी भी हुई थी इस बात को पता चली, हमें पता चला था, तो इसी तरह से इन पर बैन लगा दिया जाए तो काफ़ी हद तक काबू में आएगा ये। और जैसे कि शुएब भाई ने कहा, इसी नशा जो है बड़ा जिम्मेदार जो है चीज़ वो है नशा, तो नशे पर भी जो है कंट्रोल करना चाहिए। हमने ये देखा है कि जो देसी शराब की दुकानें वगैरह जो होती हैं उनको इतनी ज़्यादा फैसिलिटी दी जाती है, जिसकी वजह से उसको वरीयता मिलती है, लोग शराब खरीदते हैं, और टैक्स के नाम पे कि भाई उससे टैक्स की वसूली अच्छी होती है, गवर्नमेंट ने उसको बहुत ज़्यादा सहूलत दे रखी है। तो नशे पे भी जो है कंट्रोल होना चाहिए, और फोन फिल्मों पे भी कंट्रोल होना चाहिए, वेबसाइट वगैरह पे जो है पाबंदी लगना चाहिए। क्या सज़ा हो जिसकी वजह से ये जुर्म रुक जाए, क्योंकि हर साल कोई ना कोई प्रोटेस्ट होता है, मतलब ये चलन में आ गया है, अब इसको हम कट कैसे कर सकते? जब तक सरकार कोई ऐसा कोई नया कानून नहीं लेके आती जिससे लोगों के अंदर एक डर पैदा हो जाए, मेरा तो ये मानना है कि जो है बलात्कार के बदले में सीधे फांसी दी जानी चाहिए। जब तक दो यहाँ पे फांसी का कोई प्रावधान नहीं रखा जाएगा तब तक बलात्कार नहीं रुकेगा। तो जैसे कि अभी शेफ भाई ने बताया कि ये ज़्यादातर बलात्कार और ये रेप और अगवा जो हो रहे हैं ये नशे की वजह से हो रहे हैं, तो मेरा हुकूमत से कहना है कि नशे की जितनी भी दुकानें हैं फसली तो ये होना ही नहीं चाहिए शहर के अंदर, और हो भी तो इसको टोटल इस शहर से दूर रखा जाए, ताकि जो लोग इसका यूज़ भी कर रहे हैं तो वो शहर से बाहर रह के करें, शहर में ना आए। और इसके लिए कोई बड़ा इनको ऐसा कानून लाना चाहिए जिससे लोगों में दहशत पैदा हो, जिससे वो ये करने से डरे। आज आमतौर पर होता क्या है कि आदमी बलात्कार कर दिया, उसको पकड़ के जेल में बंद कर दिया 2-4, 10 साल, 20 साल, उसके बाद फिर वो जमानत पे या कोई पेरोल पे बाहर आ जाता है, आके दोबारा फिर वो वही हरकत कर देता है, फिर उसके बाद फिर चला जाता है। तो कोई ऐसा सख्त कानून होना चाहिए जिसमें उनके अंदर एक डर पैदा हो। ये सबसे बड़ी जो वजह निकल के आती है हर मुद्दे के अंदर अगर हम देखते हैं, तो वो व्यक्ति निकल के आता है जो शराब के नशे में होता है या किसी भी तरह का वो नशा किया हुआ होता है, नशा, उसके बाद पॉर्न फिल्म जिस तरह से आम हो गई है हिंदुस्तान के अंदर भी, अब इस तरह की फिल्में बनने लगी हैं। हिंदुस्तानी संस्कृति मानी और जानी जाती थी, मगर हिंदुस्तानी संस्कृति को ख़त्म करके इस तरह की पिक्चर्स आती हैं। उसके बाद शराब धड़ल्ले से बिक रही है, हम भोपाल शहर में खड़े हों जहाँ पे एक चर्चित MLB कॉलेज है, उससे बिल्कुल लगी हुई शराब की दुकान है। उसके बाद शराब के नशे में आने के बाद आदमी ये भूल जाता है माँ कौन है और बहन कौन है, एक सबसे बड़ी जड़ यही समझ में आती है। इस तरह के प्रोटेस्ट कई बार होते हैं मगर कोई हल नज़र नहीं आता, इसका हल क्या है आप कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताइएगा कि ऐसी कौन सी सज़ा दी जाए कि इस तरह के जघन्य अपराध होना बंद हो जाएं।